की सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। डोकलाम की घटना के समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं राष्ट्र की सीमा पर गए, रक्षा मंत्री जी भी राष्ट्र की सीमा पर गए, सेना बलों का मनोबल भी बढ़ाया। और यही नहीं, मुझे आज तक याद है कारगिल के युद्ध में भी नरेंद्र मोदी जी, उस समय तो ना मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, फिर भी कारगिल में सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर गए थे, उनका हालचाल पूछने अस्पताल गए थे। ये अपने आप में नजर आता है कि मोदी जी देश की सेना को मजबूत भी करते हैं, ना केवल मनोबल बढ़ाते हुए बल्कि उनको हथियारों से लेकर बाकी सभी इक्विपमेंट देने, जिससे कि हमारी सेना और मजबूत हो। और मैं कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं खरीदी, हमने 2 लाख से ज़्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट सेना के जवानों को दी, राफेल जैसे विमान दिए, लड़ाकू विमान हिंदुस्तान में बनाने शुरू किए, हेलीकॉप्टर से लेके टैंक, मिसाइल और हथियार अब हिंदुस्तान में बनते हैं। दुनिया के ऊपर निर्भर नहीं, अब हम आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।